एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 11th के लिए। आई होप आप लोगों ने बेसिक का बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस 11th क्लास के अपलोड है, तो आप वहां से बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं 11th क्लास की पूरी अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, तो अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो लाइव क्लास चल रही है वहां पे तो कोर्स बहुत आगे है, तो मैं अभी ट्रायल बैलेंस के वीडियोस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये कंटिन्यू सीरीज होगी, तो आप लोग भी इसको देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें लिमिटेड लोग रहेंगे जिनके साथ मैं लाइव डाउट सेशन भी लिया करूंगा अगर उनको कोई भी दिक्कत हो। अभी तक एक प्रॉब्लम आती थी, ये जैसे ये मैं शिवलाल की बुक से पढ़ाऊंगा, फिर राठी की बुक से भी पढ़ाऊंगा, तो जो स्टूडेंट राठी की बुक से पढ़ना चाहते हैं 11th क्लास, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं कि आपकी बुक कौन सी है, तो मैं दूसरी बुक से भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। दोनों ही बुकों से मैं आपका कोर्स कवर करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए ये बुक है। मैंने ऐसी बुक लिया जिसमें दोनों दिया हो, तो अलग अलग से फिर हमें टेंशन ना हो, ठीक है? और तो ये कंबाइंड वीडियो रहेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास 11th एमपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है? अब हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं तलपट। मुझे दोनों ही लोगों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, ठीक है? तो भाई ये तलपट होता क्या है, तो इस तलपट को जानने से पहले मुझे आपको एक बेसिक पूरा कहानी बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, राइट? तो चलिए पहले हम जानते हैं इसकी बेसिक कहानी, भाई ट्रायल बैलेंस पढ़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, राइट? पहले एक बेसिक कहानी जान लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग के कुछ बेसिक थ्योरी वाले चैप्टर पढ़े होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे, और वो आपको समझ में कब आएंगे, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो मैं थ्योरी तो आखिरी में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे जब, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जनरल एंट्रीज, ठीक है? जनरल एंट्रीज से ही शुरू किया था ना, कि कुछ और पढ़ा था आपने? तो जनरल एंट्रीज से ही पढ़ा होगा आपने, भाई जनरल कर लिया आपने, ठीक है? जनरल एंट्रीज के बाद फिर आपने क्या पढ़ा होगा, जनरल एंट्रीज के बाद सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं, जिसमें कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे। मैं एक सीक्वेंस से बता रहा हूँ आपको, पहले कि मैं किस स्टेज में हूँ वो पता चल जाए आपको। 11वीं कक्षा में है आप, आपको अकाउंट सीखना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो भाई जनरल एंट्रीज सब्सिडरी बुक्स आपने पढ़ लिया होगा, उसके बाद एक चैप्टर लेजर होता है, ठीक है? लेजर अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, तो मैं पढ़ा दूंगा। तो लेजर चैप्टर में होता क्या है कि इसके आपने बैलेंसेस निकाले होंगे, ठीक है? बैलेंस निकाला होगा, तो अब लेजर के बैलेंस को आगे ले जाना, एक स्टेटमेंट में रखना, वही हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि हम कौन सी जगह पे पढ़ रहे हैं? आपने जनरल एंट्रीज पढ़ा, आपने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा, आपने लेजर पढ़ा, तो अब इन सब के बैलेंसेस जो हैं वो आगे हम एक स्टेटमेंट में रखते हैं, और उस स्टेटमेंट को ही ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। सबसे पहला कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, पहले हम एक बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, तो भाई ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, पहला सवाल तो यही आएगा ना, क्यों बनाया जाता है ये, व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो इसका जवाब दे देता हूं मैं, क्यों बनाया जाता है, पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, अकाउंटिंग करना मतलब, अकाउंटिंग में कहते हैं कि एक साइंटिफिक मेथड है ये, इसमें भी साइंस के जैसे रिजल्ट आता है। तो कैसे साइंस के ऐसे रिजल्ट आएगा, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं पर अकाउंटिंग होती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम, अभी हम पढ़ रहे हैं भाई, दोनों तरफ हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है? कैसे पता कि सारे ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही, इसकी सटीकता को चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। मतलब अभी तक जो हमने अकाउंटिंग की है, क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, तो इसमें भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो भाई अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड का बैलेंस इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है,
तो ट्रायल बैलेंस इसको कहते हैं टैली हो जाना। ट्रायल बैलेंस अगर बराबर दोनों तरफ का बैलेंस आ जाए तो ये माना जाता है कि आपने जो अकाउंटिंग अभी तक करी है वो सही है। हालांकि वो 100% सही है इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये 100% वाली बात हम सीखेंगे। एक चैप्टर है अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, को आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी ये समझ में आ गया ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। नाउ अब ट्रायल बैलेंस बनाने की मेथड कितनी होती है, विधियां। भाई जब हम कुछ चीजें बनाएंगे तो उनकी मेथड भी होंगी, विधियां होंगी। हालांकि थ्योरी में बाद में पढ़ाऊंगा। तो आपकी किताब में तीन विधि दी हुई है। सबसे पहली मेथड है बैलेंस मेथड, ठीक है, सेस विधि। बैलेंस मेथड नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस मतलब जो भी अकाउंट लेजर के बैलेंसेस बचे हैं उन बैलेंसेस का उपयोग करते हुए बनेगी फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है टोटल मेथड। टोटल मेथड मतलब जो लेजर का टोटल आता है ना वो अमाउंट लिखेंगे इसमें। और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड, दोनों चीजें एक साथ ले लेते हैं, टोटल एंड बैलेंस मेथड। वैसे एक बात बता दूं, मैं कुछ किताबों में चार मेथड लिखी रहती है, चौथे का नाम है बैलेंस एंड टोटल मेथड। तो बेसिकली एग्जैक्टली ट्रायल बैलेंस का मतलब सिर्फ यही होता है, बैलेंस मेथड। बाकी ये चीजें कभी पेपर में आती नहीं है, बट 11वीं कक्षा के स्टूडेंट होने के नाते आपको इनके नाम पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन हम टोटल मेथड वाला भी कर लेंगे। रियल में सिर्फ बैलेंस मेथड से ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्लियर हो गया ये बात? ओके अब सवाल कैसे करवाऊंगा, मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन भी डिस्प्ले करवाऊंगा और आप लोगों को उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बात बता दूं जिसको अकाउंटिंग समझ में ही नहीं आ रही है, देखिए मैं जब ये यूट्यूब पर ये वीडियोस आएंगे लाइव क्लासेस में तो मुझे मालूम है कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बट यूट्यूब में मुझे नहीं पता कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जैसे ये क्लासेस मैं भोपाल से चलाता हूँ, इंदौर से भी हो सकता है, कहीं दूर दराज के गांव से भी बच्चे हो सकते हैं। तो यूट्यूब पर पढ़ाने का मेरा पर्पज यही है। मैंने इसीलिए चैनल भी स्टार्ट किया था कि ज्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच पाऊं, आप लोग भी सहयोग करिएगा उस पे। अभी जैसे चैनल में 11,000 लगभग स्टूडेंट कनेक्ट है, सब पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो नए स्टूडेंट 11th क्लास के अभी नहीं जुड़े हैं तो आप ये वीडियोस देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। इस चैनल पे मैं 11th क्लास के तीनों विषय लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, 11th क्लास के तीनों ही विषय पढ़ाऊंगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पहले मैं सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वालों को पढ़ाता था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज करे हैं कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए, हिंदी माध्यम वालों को पढ़ाइए। तो मैंने हिंदी माध्यम वालों के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो अकाउंट्स तो दोनों की सिमिलर ही होगी क्योंकि बुक्स में सारी चीजें सेम रहती है। थ्योरी वाली जो क्लासेस रहेंगी वो अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए तो ट्रायल बैलेंस की मेथड भी देख ली हमने। आप कहेंगे सर आपने हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लिखा ही नहीं है, तो भाई बैलेंस को भी हिंदी में ना बैलेंस ही कहते हैं, ठीक है। शेष विधि, ठीक है, शेष विधि। और देखिए नाम वगैरह तो किताब से देखिएगा। टोटल मतलब कुल विधि, अब इसको एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी का देखना पड़ेगा, ठीक है। कुल और शेष विधि ये नाम होते हैं इनका। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में मैंने बताया तलपट कहते हैं। अब इनका इसका कॉलम कैसे बनाएंगे, अकाउंट्स में जो भी बनाते हैं ये एक स्टेटमेंट होता है। पहली बात, सबसे बड़ी बात, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। हिंदी में स्टेटमेंट को विवरण कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक निश्चित तारीख को बनाया जाता है, जैसे साल में खत्म होता है मान लीजिए 31 मार्च को, तो वो साल के आखिरी दिन एक फिक्स डेट को बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ इसका फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट इसका बहुत आसान है। जनरल एंट्री में आपने जो फॉर्मेट बनाया था लगभग वही है। डेट का कॉलम यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेट एक फिक्स तारीख को ही बनता है ना, 31 मार्च के दिन का ही बैलेंस लिखेंगे हम आखिरी दिन का। तो पहला कॉलम आपको भी लिखना है कॉपी में, ठीक है। ये पहला कॉलम कौन सा हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का, यहां से, ठीक है, कॉपी में लिखिए इसको। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, हिंदी में इसको विवरण कहते हैं। तो भाई हिंदी में ना देखिए जो सवाल करते हैं ना अकाउंट्स में वो अंग्रेजी में ही करेंगे।
कई मैंने देखा है कई जगहों पर जो स्कूल होते हैं दूर दराज स्कूल होते हैं, गांव में स्कूल होते हैं, वहां के जो शिक्षक होते हैं वो हिंदी माध्यम वालों को हिंदी में अकाउंट्स करवाते हैं, बाद में उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है जब वो आगे पढ़ने जाते हैं सीए जैसे प्रोफेशन में या कहीं भी जाएंगे, इसलिए भाई सब लोग अंग्रेजी में पढ़िए है ना अकाउंट्स को, हिंदी में नहीं होता कुछ भी। तो आप लोग सीखने का प्रयास करिए, सब बनेगा। और मैं हिंदी हिंदी अच्छे से बोलने का प्रयास करूंगा, हिंदी में मुझे भी अच्छा मजा आता है शुद्ध हिंदी बोलने में। चलिए, तो पर्टिकुलर्स ये हो गया विवरण। फिर ये छोटा सा कॉलम एलएफ आता है, लेजर फॉलियो। एलएफ का मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया, लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर। फिर ना अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड और सेकेंड वन इज क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें एंट्रीज कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे ट्रांजेक्शंस की। तो देखिए आपने जो अभी तक बैलेंसेस निकाले हैं, सपोज कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, लेजर में सारे बैलेंसेस यहाँ लिखना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वही नियम लिखने हैं आपको, पढ़ने हैं। जल्दी पढ़िए, ट्रायल बैलेंस पे एक्सपर्ट बनना है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से ही अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे 11th क्लास, आप एट द एंड ऑफ द सीजन आप उसमें एक्सपर्टाइज लेवल आपको मिल जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप 12th में या फिर आगे की क्लासेस में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अकाउंटिंग का पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है ही, एज वेल एज मैं सीए फॉर्म में वर्क भी करता हूँ, तो मुझे उसका भी एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। मैंने सीए की मेरी ट्रेनिंग भी की है और बहुत सारे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग वर्क भी करे हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ट्रायल बैलेंस का ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप एमबीए किए हुए हैं और आप एमबीए करने के बाद किसी अकाउंटिंग फर्म में जॉब के लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिए इस ट्रायल बैलेंस का महत्व, तो आज बता दूं पहले आपको मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके। एमबीए किया है आपने, अकाउंटिंग फर्म में जॉब के लिए जाएंगे ना आप, मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेंगे, हजारों लोग एप्लीकेशन देके जाते हैं जॉब के लिए, तो वो एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। कौन, मान लीजिए आपके इंटरव्यू के पहले आप जाएंगे इंटरव्यू देने ना, तो वो आपको वही ट्रायल बैलेंस दे देंगे, 15 मिनट का टाइम दे देंगे, बोलेंगे बेटा इसको सॉल्व करके सबमिट कर दो, और बस यही पेपर है आपका, ठीक है, सबमिट कर देंगे, जिसका ट्रायल बैलेंस टैली उसको बुला लेंगे, इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगी उसकी, नहीं तो भगा देंगे। तो बस आपकी पूरी डिग्री मतलब ट्रायल बैलेंस पर डिपेंड हो गई। मैंने खुद कई एमबीए वालों के इंटरव्यू लिए हैं कुछ कंपनीज के लिए, ओके। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं क्लास 11th की, लेकिन काम आगे तक आनी है आप लोगों। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट डे ऑफिस गया सीए की, जब जहां पर ट्रेनिंग होती है वहां पर गया, तो वहां पर भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ही दिया गया था। हालांकि वो ट्रायल बैलेंस रियल वाला ट्रायल बैलेंस था, मतलब उस ट्रायल बैलेंस को बनाने में मुझे 1 महीने का टाइम दिया था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे 1 महीने का टाइम, अरे उसका पूरी अकाउंटिंग करनी थी, पहले उसका जनरल बनाना था, फिर लेजर बनाना था, फिर कैश बुक बनाना था, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाना था एक और जो भी क्लाइंट रहा होगा उसका, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए तो है ही, बट आप अकाउंटिंग फील्ड में या इस फील्ड में कॉमर्स में वर्क करेंगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। और भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाता जाऊंगा, राइट। Now, अब ये फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है, फॉर्मेट तो सामने रखा हुआ है ना, फॉर्मेट सामने है। आप कहेंगे सर हमें पोस्टिंग करना सिखाइए, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, सॉरी जनरल लेजर के जो बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसका रूल्स बता रहा हूं मैं। देखिए ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है, हिंदी में संपत्तियां, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी, ये रूल है, ओके। ऑल एसेट्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ये संपत्तियां हिंदी में शायद मैंने गलत लिखा है, हिंदी बहुत दिन से लिखता नहीं, भूल गया, ओके, ऐसे ही होगा, आई एम सॉरी। चलिए करंट एसेट हो गया, फिर करंट लाइबिलिटीज पर आ जाइए, तो ऑल सॉरी करंट नहीं एसेट, ऑल लाइबिलिटीज, सभी दायित्व, जितने भी दायित्व होते हैं लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम क्रेडिट में लिखेंगे।
आप कहेंगे सर हम तो 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, हमें तो असेट और लाइब्रेरीज पहचानना आता ही नहीं है, डोंट वरी मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिर ऐसे जितने भी, आप तो फॉर्मेट लिखिए ना ये पहले, फिर जितने भी खर्चे होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉस होते हैं वो भी सब कहाँ जाएंगे, डेबिट में। फिर ऑल इनकम प्रॉफिट, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। चार चीजें ही आनी है बस। हमने सारी चीजों को, पूरे अकाउंट्स के सभी चीजों को चार चीजों में डिवाइड कर लिया, चार फील्ड्स में, राइट, और ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल लिख दिया। टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा सवाल सही हो गया। अब एक चीज इसके नीचे और लिखना है आपको, वो चीज क्या है, इसमें नोट लिखिएगा, नोट लिखिए जरा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत सारे नए नाम आएंगे आपको, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बेचे गए माल की लागत, की लागत। ये हम प्रश्न में मतलब जब दिया हो तो इसको हम तभी लिखेंगे जब प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, ये नोट कर लीजिए। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से समझिए, दूसरे तरीके से समझाता हूं। प्रश्न में दो चीजें ना पेयर में आती हैं, जोड़ी में, ठीक है। अब पहली चीज और ये दूसरी चीज, पहले जोड़ी बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके साथ में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर भाई क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसको हम तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो। ऐसे ही अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है तो तभी लिखेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक दिया हो। पहला पेयर ये चेक करते हैं, दूसरा पेयर ओपनिंग स्टॉक, और इसका एक साथी है उसका नाम है परचेज। ओपनिंग स्टॉक हम तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन में परचेज दिया हो, या फिर परचेज तभी लिखेंगे जब ओपनिंग स्टॉक दिया हो। हालांकि ये वाला मैं, हो सकता है कोई बहुत एक्सपर्ट देख रहा हो चैनल को, तो भैया ये सेकंड रूल वाला ना, जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसकी डिटेल भी पढ़ा दूंगा मैं, इसमें कुछ अभी गड़बड़ी है। बट अभी 11वीं कक्षा वालों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि भाई ये पेयर से समझ जाओ। इस रूल्स में जब आप बहुत बड़े कॉमर्स में आप ज्ञानी हो जाएंगे तो इस रूल्स में आप फिर और थोड़ा चीजें निकालेंगे, ठीक है। अभी कैसे समझिए, अभी मैं आपको समझाने के लिए आसान तरीके से बता रहा हूँ। दो पेयर देखना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये दो चीजें हो गई हैं, आप उम्मीद है आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।